to the viewers of Inside Northeast. This is Julie Bajborwa from the Inside Northeast studio. And today we have a very special evening guest with us. So I'll introduce you to our guest. He's Mr. Manoj Kashyap. And he's a very, very, very senior and a very awesome music artist from Assam. So let's talk to him. So Manoj, Zara bataiye, ye aapka jo music journey hai, ye kahan se shuru kiya, aapne kaise shuru kiya? शुरू तो बचपन से हुआ था. एक्चुअली आई डोंट हैव एनी म्यूजिकल इंस्टीट्यूशनल नॉलेज. मुझे सारे गामा पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है. अच्छा. बस यूं ही गाता गया और लोग बोलते गए कि आप गाओ, आपके गले में सुर है. आई डोंट नो, बट ऐसे शुरू हो गया. एंड मैंने शुरू किया, हम लोग असम में कॉमन बोलते हैं, जैसे नर्सरी, सीनियर KG, लाइक डेट. तो वहाँ से शुरू किया था. और मुझे जब तक याद है कि मेरा पहला गाना था चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना. सो डैट वॉज द फर्स्ट हिंदी सॉन्ग. एंड इसी तरह से शुरू हो गया. उसके बाद स्कूल के बाद कॉलेज, और कॉलेज में जब मैं आ गया तो वहाँ से मेरा फुल प्रोफेशनल म्यूजिकल जर्नी शुरू हुआ. अच्छा. तो कॉलेज में आपका कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई आपका मेमोरीज है, जरा हमारी व्यूअर्स को बताएंगे? एक्चुअली मैं गाने से पहले मैं था ड्रामा का स्टूडेंट. मैं नाटक किया करता था. तो वन ऑफ द फेमस ग्रुप ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली असम, एवरीबॉडी नोज शिगाल, बहारुल इस्लाम एंड भागीरथी, दे आर द मेन ऑफ दैट ग्रुप. आई एम ए फाउंडर मेंबर ऑफ शिगाल. सो ये नाटक करते करते जब मैं गाना गाता था लोगों के साथ मिलके, दोस्तों के साथ मिलके, तो सब लोगों ने बोलने लगा कि व्हाई डोंट यू सिंग इन द स्टेज. लेकिन स्टेज में नाटक तो कर लूँगा, लेकिन गाना मेरा मतलब मेरे बस की बात नहीं था. तो फिर शुरू किया. शुरू करने के बाद मुझे मालूम नहीं था कि मतलब गाना वाना गाने से पैसा वैसा भी मिलता है. अच्छा. तो जब इनविटेशन आने लगा कि आप इस जगह पे कीजिए, इतना पैसा देंगे, ये देंगे, देन आई सीरियसली गिव अ थॉट. कि और उसके बाद कहीं दिल में ख्वाहिश था कि एक दिन मैं मुंबई जाऊँगा. बाद में वो सपना भी साकार किया मैंने. तो आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहूँगा. बट अकॉर्डिंगली योर क्वेश्चन, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 6-7. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो आप अभी हम जाएंगे आपकी बॉलीवुड की जो जर्नी है, क्योंकि इन लोग मनोज जी ने 18 साल बॉलीवुड में काम किया है. तो आप ये जरा बताइए कि आप बॉलीवुड कैसे गए, उसके बाद बॉलीवुड में क्या 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 आपने और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया? पहली मत बॉलीवुड में गया था इन द सन मुंबई 1993. ओके. और आपको मालूम होगा कि मुंबई में एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. अच्छा. जिस दिन वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसी दिन मैं मुंबई पहुंचा था. तो मुंबई इनवाइट मी लाइक एज ए, उस दिन कर्फ्यू था. जब पहुंचते ही रेल स्टेशन में पूरा मतलब गुजर गया. उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो जहां हम लोग का डेस्टिनेशन था वहां पे गया. तो उसके बाद वहां जाके मैंने एक जॉब लिया. जॉब करते 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 इधर उधर घूमने लगा, म्यूजिक डायरेक्टर्स इन सबको मैं मिलने लगा. तो वहाँ पे तो फटाक से चांस मिलता नहीं है. हाँ जी. और स्पेशली उस टाइम पे मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं था, आज मैं जितना बोल लेता हूँ. क्योंकि असम में उतना बोलना नहीं पड़ता था ना. तो माई इंग्लिश वॉज क्वाइट गुड. तो मैं ऐसे जब गया तो वहाँ पे सब लोगों ने बोला कि मनोज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट योर हिंदी डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि तुम जब तक ठीक से बोलोगे नहीं तो तुमको कोई चांस देगा ही नहीं, पलट के भी नहीं देगा तुमको. तो फिर मैंने वो चालू किया आहिस्ता आहिस्ता हिंदी बोलना. जब एक बार जब आदमी बोलता है तो भले गलत हो लेकिन बोलना चाहिए. उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, आपने गलती किया तो इसको सुधारना चाहिए. तो इस तरह से मैं भी वहाँ पर जब हिंदी भाषी लोगों से बोलना चालू किया. और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुंबई इज़ इंग्लिश. तो ऑफिस में तो इंग्लिश में काम चल जाता था. लेकिन फिर मैंने हिंदी जब बोलना चालू किया, टूटा फूटा भूल ये करके, आहिस्ता 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 कॉन्फिडेंस आया. तो उसी तरह से मुंबई में ऑर्केस्ट्रा में जब मैंने मतलब ऑर्केस्ट्रा में जाता था, मैं सबको जाके बोलता था मैं ऐसे ऐसे गाना गाता हूँ. तो गाना गाने के बाद हर कोई बोलता है कि आपकी आवाज़ किशोरदा के साथ काफ़ी मिलता जुलता है, तो आप किशोरदा का गाना ज़्यादा गाया कीजिए. तो उसी हिसाब से चालू हुआ. तो आहिस्ता आहिस्ता एक नाम हुआ कि असम का एक लड़का है मनोज, किशोरदा का गाना गाता है. एंड दुनिया में किशोरदा का अनगिनत भक्त है, मतलब करोड़ों में फ़ैन है. तो उन्हीं में से मैं भी एक हूँ.
तो भगवान की दुआ से ठीक ठाक गा लेता था इन स्पाइट आई डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज. इसी तरह से एक छाप आ गया और आई वॉज वेरी डिसिप्लिन था मैं. मतलब मुझे अगर 6 बजे बुलाता तो ऐसा नहीं कि मैं 7 बजे पहुंचूंगा. अच्छा. मैं भले 5 बजे पहुंच जाऊंगा. तो ये डिसिप्लिन वाला मीटर बहुत काम कर गया. तो एक दूसरे को बोलता है कि हाँ मनोज को बोलो टाइम पे आ जाता है, गा लेता है ठीक ठाक, पैसा वैसा लेके इतना मेरा डिमांड नहीं था. तो इसी तरह से मैंने अपना पॉपुलैरिटी मतलब गेन किया. अच्छा. और ये और बाद की जिंदगी में आज भी आज जब मुझे दिखाई नहीं देता है, आज भी वो डिसिप्लिन मुझे काम आया बहुत. और ये डिसिप्लिन एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, मुंबई में बोलता है ना लोगों के पास टाइम नहीं रहता है, और सही में आपको घड़ी के आगे दौड़ना पड़ेगा. अच्छा. आप पीछे रह गए तो काम से गए आप, आपको आगे रहना पड़ेगा. इतना टाइम पे लोकल ट्रेन इतने बजे प्लेटफॉर्म में आएगा तो आएगा ही, इतने बजे बस आएगा, हाँ इतने बजे आपको ऑफिस पहुँचना है. तो हर जगह पे लोग घड़ी के आगे दौड़ता है, और जो ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लेट चलेगा करेगा ये एटीट्यूड. लेकिन मुंबई में वो एटीट्यूड लेके आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मनोज दा ने इंडिया का जो पहला रियलिटी शो है उसमें पार्टिसिपेट किया था, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो में, जहाँ पे सुनिधि चौहान वाज अल्टीमेट विनर ऑफ द शो. तो मैं आपको आपसे जानना पसंद करूंगी कि उसमें आपने पहला कौन सा गाना गाया था. उसमें मैं गाना गा के सुना दूं? हाँ जी, थोड़ा सा. अनु कपूर, अनु कपूर होस्ट था उसमें. हाँ. और मेरा जो पहला गाना था, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. थैंक यू. ये मेरा पहला गाना था. अच्छा. तो दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. इनकी जो आवाज है सच में किशोर दा से बहुत मिलता है. थैंक यू वेरी मच. तो फिर आपने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया? मुझे तो फटक से तो काम नहीं मिला. हाँ. लेकिन उसके बाद काफी असामीज लोग थे, मैं उनमें से नाम लेना चाहूंगा, जयंत पाठक. अच्छा. जतिन शर्मा, पवन रसाइली, गौतम, बहुत सारे लड़के उस टाइम असम से जाके वहाँ पे थे. और असम के जो लड़का था अच्छा म्यूजिशियन, दे आर वेरी गुड म्यूजिशियन और टेक्नीशियन थे. तो आज के डेट में बॉलीवुड में लॉट ऑफ असम इज दे आर डूइंग वेरी गुड. ध्रुवदा है, ध्रुव फुकन है, जतिन शर्मा नाम लिया, अभिनीता है, अभिनीता थी वन ऑफ द फाइन रिकॉर्डिस्ट ऑफ बॉम्बे, कल्याण दा है गिटार में, अभिलाष है, और पता नहीं कितने सारे. और आज के डेट में बॉम्बे में बहुत सारे असम इज नॉट ओनली म्यूजिक, इवन डायरेक्शन, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, आईटी सेक्टर में लॉट ऑफ पीपल्स आ गया. तो मैं भी ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादा गाया मैंने, और ऑर्केस्ट्रा से मेरा नाम मतलब लोगों तक पहुँचा. अच्छा. फिर उसके बाद एक दिन वन डे हैरी आनंद इज द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ आनंद राज आनंद, नोटेड म्यूजिक डायरेक्टर. तो हैरी आनंद एक प्रोजेक्ट कर रहा था टी सीरीज के लिए, वहाँ पर एक गाने ने पूरा इंडिया में तहलका मचा दिया था, काटा लगा. आई थिंक यू हैव ऑल्सो हर्ड काटा लगा, हाय लगा. सरस्वती, सरस्वती वाज द सिंगर. आप जरा वो गाना थोड़ा गा के सुनाते? फीमेल सॉन्ग है, फीमेल. फिर भी आपकी आवाज में सुना. एक्चुअली काटा लगा, हाय लगा, हाय रे बंगले के पीछे तेरी बेली के नीचे, हाय रे लगा रे लगा रे लगा रे लगा, काटा लगा, हाय लगा. ऐसा ही था वो मेरे फेमस सॉन्ग. और उसी एल्बम में मैंने वो गाना गाया जो भीगी भीगी रातों में. ये तो एकदम इंडिया में एक मचा देने वाला गाना था. यस यस यस, बहुत बहुत पॉपुलैरिटी गाने को मिला. लेकिन आज के डेट में वो गाने के ऊपर इफ यू फाउंड इन द यूट्यूब, डीजे कैपिटल स्पेस DOLL डॉल स्पेस रीमिक्स, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक गाने का लिस्ट आएगा. उस गाने में जब आप भीगी भीगी रातों में क्लिक करोगे तो व्यूअर्स इज राइट नाउ टुडे 11 मिलियन, टुडे 1 crore 10 lakhs. मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि आसाम से जाके हम लोग का ऐसे भी बदनाम है कि हम लोग हिंदी ठीक से बोल नहीं पाते हैं. तो यहाँ पे बोला नहीं जाता है. ये गाना परिणीता इज अ वेरी नाइस सिंगर एंड शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, उसके साथ मैंने ये गाना गाया था.
So still going on daily, rapidly, around 30 to 40,000 viewers इस गाने को देखते हैं. तो ये मेरा ज़िंदगी का turning point है. काटा लगा. जब मैं मुंबई में था, उसके बाद बहुत सारा ऑफर मेरा आया, स्टेज का ऑफर आया और दूसरे कंपनी से ऑफर आया. तो कुमार शानू, बाबुल सुप्रियो, मनोज कश्यप. तो कुमार शानू तो एकदम बिग लीग, बाबुल सुप्रियो ऑल्सो इन बिग लीग. तो कम पैसे में मैं गा लेता था. तो मुझे शोज में भी मुझे ज़्यादा शोज मिलने लगा और साइड बाय साइड मैं जॉब भी करता था. तो ब्रेड एंड बटर के लिए जॉब करना पड़ा और बाकी गाना चलता था. तो ये गाना जरा हमारे व्यूअर्स को गा के सुनाइए, क्योंकि आपने बोला कि ये गाना आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है. आई ऑलवेज लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग. यस, कोशिश करता हूँ. हाँ जी. भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है. हाँ, कैसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेद रहे हो, छेद रहे हो. ऐसा लगता है तुम बन के बादल, मेरे बदन को भीगो के मुझे छेद रहे हो, छेद रहे हो. थैंक यू. बहुत बढ़िया. और ये जो गाना है, लाइक आज भी हम यंगर जनरेशन भी ये गाने को बहुत, मैं तो ये सुनती रहती हूँ. लाइक आई लव द सॉन्ग. थैंक यू, थैंक यू. तो ये गाना तो बहुत पहले में रिकॉर्ड हुआ था, वो आज भी ट्रेंडिंग है गाना. एक्चुअली इसके पीछे क्या है, देखिए ये पुराने जमाने के जो गाने हैं, भले स्लो हो लेकिन मेलोडी था, मीनिंग था. क्या बोलेंगे, जो सब सिंगर थे महान थे, उनकी आवाज़ की तो किसी के साथ तुलना नहीं होते हैं. लता जी, किशोर दा, मुकेश साहब, रफ़ी जी, आशा भोसले, किस किस के नाम लेंगे आप, एक से बढ़कर एक. तो ये सब को देख के सुन के हम लोग बड़े हुए हैं. तो कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में, खून में आज तक है. और आज भी ये सब गाना इसलिए पॉपुलर है कि ये सब गाना लोग दिल से सुनते थे. अच्छा. खाली रिदमिक है, नाचूं है, नाचने के लिए तो रिदम बहुत सारा है. बिहू ढोल आप बजाइए, पैर ऑटोमेटिक आप थिरकने लगेंगे. अब पंजाबी भांगड़ा बजा दीजिए, ऑटोमेटिक पैर थिरकने लगेंगे. साउथ का गाना बजा दीजिए. तो ये सब जो रिलेटेड मिट्टी का जो गाना हम लोग बोलते हैं, वो सब तो ऐसे भी रिदमिक है. लेकिन मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा फिल्मी सॉन्ग है. और उस टाइम पे एक फिल्म समाज का एक, क्या बोलेंगे, एक मिरर हुआ करते थे. एक फिल्म देख के लोग घर पे कुछ सीख के जाते थे, एक मैसेज हुआ करता था फिल्मों में. तो साइड बाय साइड वो गाने का भी बहुत महत्व था, स्टोरी का महत्व था, एक्टिंग का महत्व था. तो ये सब गाना एक कविता आप बोल सकते हो, एक पोएम है. हर कविता गाना नहीं है, लेकिन हर गाना एक कविता है. तो ये लता जी की जो आवाज़ है, किशोर दा का जो आवाज़, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, ये सब अमर है, अमर रहेंगे. जब तक चांद सूरज है तब तक लोग ये गाना भूल नहीं पाएंगे, गाएंगे. हम भी गाएंगे, मैं नहीं रहूँगा, मेरे बाद नेक्स्ट जनरेशन गाएंगे. आप नहीं रहेंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन गाएंगे. जब तक चांद सूरज है ये सब गाना चलता रहेगा. लोग भूल नहीं सकते कभी. तो आप मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप एक बहुत मतलब पहले से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसा पॉइंट बताइए कि आज जब यंगर जनरेशन जब गाना गाते हैं और आप लोगों ने जब गाना गाया था, तो ये डिफरेंस क्या है कि आज यंगर जनरेशन के जो गाना है, आप लोगों में कौन से पॉइंट पे ये डिफरेंट है? देखिए आज के डेट में अगर मैं एकदम छोटा सा मिसाल दूँ, आज के डेट में बुलेट ट्रेन है. हाँ जी. ठीक है. फोर लेन एक्सप्रेस हाईवे है, जहाँ पे गाड़ी 120-140 में चलते. पहले ज़माने में नहीं हुआ करता था, बैलगाड़ी हुआ करता था. अगर मैं पहले ज़माने को और आज के ज़माने को रिझाऊँ, तो एक कंप्यूटर का ज़माना है. लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए अंतरिक्ष में. तो एक स्पीड का ज़माना है, मतलब डायरेक्ट स्पीड, एक गति. तो स्पीड जहाँ पे है वहाँ पे रिदमिक गाना, फास्ट गाना ऑब्वियसली न्यू जनरेशन पसंद करेंगे. हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, ये गाना एक फिलोसफिकल हो सकता है. हाँ जी. लेकिन ये रिदमिक नहीं है. लेकिन आप अगर बोलो तारा रारा, बोलो तारा रा, गाएंगे तो हर कोई झूमेंगे, नाचेंगे. तो यू कैन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज के डेट में जो गाना बना वो खराब है या मीनिंगफुल नहीं है. आज के डेट में भी मीनिंगफुल गाने हैं, लेकिन आज के जनरेशन स्पीड पसंद करते हैं. तो इसीलिए स्पीड वाला गाना या रिदमिक गाना ज़्यादा चलते हैं. लेकिन उसमें भी
कभी कभी जैसे ध्रुव तारा एक ही है, तारे बहुत है लेकिन ध्रुव तारा एक ही है। और ध्रुव तारा किसके लिए काम है कि अगर समुद्र में कोई खो जाते हैं तो उसी के सहारे अपना डेस्टिनेशन पकड़ लेते हैं, लाइक दैट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पुराने जमाने की जो गाने हैं वो सब इस एवरी सॉन्ग इज ए लाइक ए ध्रुव तारा। और आज के डेट में तारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ध्रुव तारा कोई नहीं हो सकता है। तो ये था आपके जो बॉलीवुड का जर्नी था ये। उसके बाद आप असम में भी आपने बहुत सारे काम किया है, बहुत सी आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, बहुत से फिल्म है हमारे असम में। तो यहाँ पे आपने कौन कौन सा काम किया, फिर कौन सा ये आपने पहले जमाने में जो हमारे एक्ट्रेस है असम की टॉप एक्ट्रेस वर्षा रानी, इन लोगों के साथ आपने काम किया? वर्षा रानी के साथ मतलब इन द सेंस उनके पिताजी राजा बिकाया, तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था मुंबई में। एक गाना मैंने गाया था उनके, एक पिक्चर था बुकुर माजो जौले, एक बहुत ही बहुत मेलोडियस सॉन्ग, दो लाइन में गुनगुना देता हूँ उनके रेस्पेक्ट में। और सबसे बड़ी बात है ये गाना मैंने खुद लिखा था और मेरे साथ संगत की थी महालक्ष्मी आयर, वन ऑफ द रिनाउंड सिंगर ऑफ बॉलीवुड। और महालक्ष्मी आयर के बारे में एवरीबॉडी नोज, सी कैन सिंग असमीज सॉन्ग बेटर देन असमीज पर्सन। उनकी असमीज इतनी शुद्ध है और इतनी प्योर है, तो उनके साथ मैंने ये गाना गाया था, लिखा था मैंने। मोरो में बिसारे आजी तुमाके जाना जानू, मोरो में बिसारे आजी तुमाके जाना जानू, हृदय तू आशा तुमी माथो तुमी तुमी भूल गया थोड़ा सा, लेकिन ये गाना गा के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और इट इज़ अ सुपर डुपर हिट सॉन्ग। एंड महालक्ष्मी ने जो मतलब इस गाने में जो उनकी वॉइस जो रेंडरिंग की, आप सुनेंगे कभी आपको नहीं लगेगा कि शी इज़ अ नॉन असमीज गर्ल, वेरी नाइस रेंडरिंग। आज मतलब अभी हमने आपके जो म्यूजिक का जो जर्नी है इसके बारे में हमने बात किया, फिर मैंने सुना है, मैंने पर्सनली जब आपके बारे में थोड़ा सा पूछा था लोगों से तो मुझे पता चला कि आपकी एक डार्क स्टोरी भी है, तो इसके बारे में जरा हमसे हमें बताएंगे। अबाउट माय साइट, या सब ठीक ठाक चल रहा था तो सडनली मुंबई में 2011 एंडिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर, बहुत खांसी हुई मुझे और मेरा डायबिटीज़ था। डायबिटीज़ वाज डिटेक्टेड 2002, तो काफ़ी पुराना हो चुका था। तो उसके बाद खांसी हुआ तो आई वाज इग्नोरिंग लाइक के छोटा मोटा खांसी है, ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक ले लिया। लेकिन जब नहीं ठीक हुआ तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक एक्सरे करा लीजिए, वी सस्पेक्ट यू आर सफरिंग फ्रॉम टीबी। तो मैं जब एक्सरे किया तो बोला कि हाँ टीबी फॉर्म है आपके पास, फॉर्म हुआ, एकदम इनिशियल पीरियड है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आज के डेट में छोटा मोटा ये है, आप रेगुलर टेबलेट लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे तो टीबी का जो इलाज है मुफ्त होता है, लेकिन मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में किया। उसके बाद ये कन्फर्म था कि टीबी हुआ। उसके बाद मेरा डायबिटीज़ जो था उसको अनदेखा करते हुए डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया था कुछ जल्दी सुखाने के लिए। इट वाज डन एट क्रिटी केयर हॉस्पिटल जुहू मुंबई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो वो इंजेक्शन देने के चार दिन बाद ड्रास्टिकली विद इन फोर डेज आई हैव लॉस्ट माय आईसाइट। उसके बाद मालूम पड़ा कि वो टैबलेट ने और इंजेक्शन ने मेरा ऑप्टिकल जो नर्व है, ऑप्टिकल नर्व को सुखा दिया, श्रिंक कर गया। और अदरवाइज इफ़ यू लुक एट माई आईज तो आपको लगेगा नहीं कि मुझे दिखाई नहीं देता। माय कॉर्निया, माय लेंस, माय एवरीथिंग इज़ ओके, बट द मेन जो केबल जो रिफ्लेक्ट करता है एक तस्वीर को ब्रेन में, वो सिंक कर गया। उसके बीच में से खून जो जाता है, खून नहीं जाने लगा, तो ये ड्राई हो गया। तो ऑप्टिकल नर्व में आज तक तो कोई ऑपरेशन हुआ नहीं। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया, बहुत पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आखिरकार डेस्टिनी को मान लिया और गाना गाता हूँ, इसके लिए आज तक जिंदा हूँ। अच्छा। और मैं चाहूँगा कि मरते दम तक गाऊँ।
मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो आपका मतलब बर्थ प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं, इट इज 2012 में हुआ, तो अभी जो आपको दिखाई नहीं देता तो आपको कोई डिफरेंस फील होता है क्या? मेरे आंखों के सामने अंधेरा है बस, दैट्स ऑल, इट इज अ प्योर ऑल द टाइम अंधेरा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि पहले प्रॉब्लम तो हम 100% प्रॉब्लम होगा। हाँ। तो मैं मूवमेंट नहीं कर पाता हूँ स्पीडली। हाँ। मुझे हमेशा जाते समय किसी का सहारा चाहिए। हाँ, घर पे मेरा जो अपना रूम है वो डेट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। यहाँ पे अलमारी है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे मेरा चप्पल रहता है। एक पिक्चर मैंने ब्रेन के अंदर डाल लिया, तो मैं अपने घर में सीरी से जो उठता हूँ उतरता हूँ तो देट इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन जब घर से बाहर निकलूँगा तो किसी ना किसी का तो सहारा ज़रूर चाहिए। स्टेज में गाना गा लेता हूँ बाय मेमोरी, मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ। तो जब से आँखों की रोशनी ख़त्म हुआ तब तक मेरा रिमेम्बरिंग पावर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। अच्छा। तो आज के डेट में मैं स्टेज में 4 घंटा प्रोग्राम कर लेता हूँ तो मोटा मोटी 25 गाना तो गा लेता हूँ। और एक ही गाना तो नहीं गाता हूँ, हमेशा गाना चेंज करके गाना पड़ता है। तो बाय मेमोरी आई कैन सिंग। तो ये एक बहुत इंस्पायरिंग पॉइंट है कि हमारे जो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं। अभी मैं बात करना चाहूंगी कि आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं इसके बारे में जरा बताइए, क्या प्लान्स है गाने को लेकर? गाना तो मरते दम तक गाना गाऊंगा ही। हाँ। और मैं खुद का गाना खुद लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि दूसरे का गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन खुद का गाना खुद लिखने में एक चैलेंज। और ट्यून भी खुद कर लेता हूँ, म्यूज़िक कंपोजर के साथ बैठ जाता हूँ, यहाँ पे ऐसा दो ऐसा दो, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। okay. और बाकी था मेरा आइडल है दो, एक तो किशोर दा, दूसरा है राणा दा, इन दसन जयंत हजरिका द यंगर ब्रदर भूपेंदा। तो जयंत दा का गाना और किशोर दा का गाना बचपन से फॉलो करते आ रहा हूँ। और बाकी जो भी है लीजेंड उन सबका गाना गा लेता हूँ मैं। लिस्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, किशोरदा, रफ़ी साहब, मुकेश साहब, उसके बाद यशुदास जी, सुरेश वाडेकर जी, कुमार शानू, सोनू निगम, अमित कुमार, बापी लहरी, मोहम्मद अजीज़, शब्बीर कुमार। आसाम में अगर आप पकड़िए भूपेंदा, जयंतदा, अशीम हजरिका, समर हजरिका, खगेन महंतो, प्रदीप दा, अपूर्व बेजबुड़वा, ज्योतिष भट्टाचार्य, जुबिन तो है ही है, जुबिन का भी गाना बहुत अच्छा लगता, गा लेता हूँ। तो मैं अनगिनत जितुलदा उसके बाद अपना गाना गाता हूँ। अच्छा। तो स्टेज में लोग मुझे इसीलिए पसंद करते हैं कि मनोज दा को बुलाएंगे तो मनोज दा एक ही सिंगर का गाना नहीं, कम से कम 15-20 सिंगर का गाना गा के हम लोग को भेंट करेंगे। एंड आई वाज ट्राई टू सिंग ऑल देयर हिट नंबर्स। तो एक चहल पहल हमेशा रहता है मेरा प्रोग्राम, मैं कभी बोर होने नहीं देता हूँ, इतना तो गारंटी है। रिलीज किया 7 गाने का एल्बम है और आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, एक 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 करके 5 गाना अभी तक रिलीज किया। यूट्यूब में भी एक बज रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। तो उसी गाने का मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। প্রেমরে জোয়ার বিচারি না পাও সীমা, তোমার ভাল পোয়ার আবেগু উঠলি উঠে ভাঙি পারা পার, রূপহী তোমার রূপে ও রূপহী তোমার রূপে দহি সহিয়া, তুমি রম্ভান মেনকা হাহু হাহু করি থকা, মুখনি তোমার বিচারি না পাও সীমা, তোমার ভাল পোয়ার। थैंक यू। कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छा है। सो आज ही YouTube में लिंक करना पड़ेगा इसको। हाँ, जरूर पे कीजिए। तो अभी बताइए आपके घर में कौन कौन से हैं? अभी यहाँ पे तो मेरा बड़ा भाई है। हाँ। भाभी जी। हाँ जी। एक भतीजा है, एक भतीजी। और मेरा लड़का जो है वो मुंबई में है। अच्छा। और मम्मी के साथ, शी वॉज वर्किंग देयर इन अ शिपिंग कंपनी और अभी HS फर्स्ट ईयर। ओके। तो अभी रिसेंटली मैं एक प्लान है, मुंबई जाऊँगा तो हो सके तो मिलूंगा उससे ज़रूर। और कुछ साल पहले वो आया था लेकिन फिलहाल ड्यू टू लाइक हैवी लोड पढ़ाई लिखाई का और कुछ सालों से नहीं आया, लेकिन आएगा उम्मीद है। ये बहुत बढ़िया है। तो वी आर ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग, तो उससे पहले आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे क्या? मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो आप मुझे आज देख रहे हो, इन लोगों ने इन्वाइट किया, इनके शुक्रगुजार हूँ मैं।
और मैंने बहुत मायूस था जब आई लॉस्ट माई आई साइट, तो मैं सोचा था क्या होगा, लेकिन उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया डेस्टिनी, आई कैन फाइट अगेंस्ट गॉड. लेकिन मैंने उनसे यही प्रार्थना की थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करके कम से कम जिंदा रखिए और मेरा गले से आवाज़ मत छीनिए, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरा आई साइट लूज करने के साथ साथ मैंने गले का आवाज़ भी मेरा कम होता गया. अच्छा. मैं कंप्लीट एक साल मैं बेड रिडन था. ओके. तो वो मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ, इट्स लाइक ए हेल. उसके बाद मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि इफ़ एवरीबॉडी कैन डू व्हाई कांट यू, हिम्मत जुटाओ और वापस खड़े हो जाओ. और मैं धुबुरी में एक गुरुद्वारा के सामने जाके मैंने मन्नत वहाँ पे मांगी कि भगवान मेरा ये गला वापस कर दीजिए गुरुद्वारा में, और अगर ठीक हो जाए तो मैं आपके सम्मान में, रेस्पेक्ट में, हमेशा सर पे एक आपके नाम पे कपड़ा बांध के मैं निकालूंगा, घर से निकलूंगा. तो तब ये मेरा कपड़े बांधने का यही राज है. दिस इज़ नॉट फॉर स्टाइल, ये एक सम्मान ऊपर वाले के प्रति कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे सेफ रखिए, महफूज रखिए. और इतना ही दुआ है कि आप मुझे मरते दम तक गाना गाने का ताकत दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि गाना गाऊँ, गाना लिखूँ, उसको कंपोज करूँ, हर किस्म का गाना, क्योंकि ज़िंदगी में सुख है तो दुख ज़्यादा ही है, तो दुख से मुंह नहीं मोड़ना है. और आज के डेट में मेरा भगवान के ऊपर कोई गुस्सा, कोई अभिमान, कोई कुछ नहीं है, अभी जो कुछ नहीं है. और जनता से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि मेरे जैसे हजारों हैं, आप उनको प्यार दीजिए, वो भी हकदार है इस दुनिया में जीने के लिए. थोड़ा सा प्यार बहुत मायने रखते हैं, और प्यार कभी मरता नहीं है, यही बात है. मैं आपके चैनल को वापस एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे बुलाया, मुझे यहाँ पे खड़े होने का मौका दिया. पता नहीं मैं जो कुछ भी बोला दिल से बोला, हाँ, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहता हूँ. खाली आप जनता से यही निवेदन है कि मुझे मेरा गाना सुनिए, और बस इसी तरह आपकी कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रहे तो मैं कुछ कर सकूँगा आगे. अच्छा. व्यूअर्स, आपको ज़रा बताना चाहूँगी कि इन्होंने अभी जो बोला है ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग थॉट है, क्योंकि अभी मैं इनके साथ बैठ रही हूँ तो मुझे भी इनसे बहुत इंस्पायरेशन मिला है कि बहुत से काम हम ऐसे ही कर सकते हैं विदाउट नो थिंकिंग. तो इन्होंने जो डेस्टिनी लिया है, तो हम मैं बोलना चाहती हूँ कि इनका जो गाना है, आप लोग यूट्यूब में जाइए. आपका कोई चैनल है क्या जिसका, मनोज कश्यप ऑफिशियल है? हाँ. फिर मनोज कश्यप ये करने से भी आ जाएगा, प्रतिदिन का मेरे पास है. जितने सारे मैंने काम किया, हाँ, टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सबका है वहाँ पे. अच्छा. तो आप लोग भी जाइए यूट्यूब में, सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल, और इनके जो ब्यूटीफुल से बहुत से सुंदर सुंदर गाने हैं, तो इनके जो गाने आपको यूट्यूब में मिलेंगे. आई जूली बैज बोरवा कंक्लूडिंग दिस इंटरव्यू विद द वेरी रिस्पेक्टेड मनोज कश्यप जी. तो एट द एंड आई अगेन वॉन्ट टू अपील that you need to just download our app from Google Play Store, that is Inside Northeast. We are on Facebook as Inside Northeast, on Instagram as Inside Northeast, LinkedIn is and Twitter also. So this is Julie Bajborua signing off from Inside Northeast. Thank you. Thank you.